है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है जुड़वा 2 का पोस्टर। और आज मैं बात करूंगा पांच ऐसे रीजंस के बारे में जिस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। जी हाँ, ये रीजन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे कई सारी चीजें मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यानी फिर दिखाने ही वाला हूँ कि पांच ऐसे क्या रीजंस है। मेरी वेबसाइट पे मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है bollywoodcases.com पे, और bollywoodcases.com पे। चलिए अब ले चलता हूँ आपको रीजंस बताने प्रॉपर। तो 5 reasons why जुड़वा 2 विल बी ए फ्लॉप। ठीक है, सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है कि जुड़वा 2 फ्लॉप होने का, वो है सेम स्टोरी। जी हाँ, सेम स्टोरी जो मुझे लगती है, सेम स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आएगी। और हमने ट्रेलर में देखा तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ही हमको लगी। जो भी एक्टिंग हो, चाहे बात सीन हो या जो भी सीन्स हमने देखे, वो लगभग लगभग सेम थे। तो पुअर ट्रेलर रिस्पॉन्स, जैसे ही मैंने ट्रेलर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाला तो लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स से ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। और जिसका मतलब ये भी है कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जुड़वा 2 से। आई थिंक वो ट्रेलर के हिसाब से तो पूरी हो नहीं पाई है। फिल्म आने में पता नहीं क्या होगा, वो अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है फिल्म की, सबसे पहली कड़ी होती है उसका ट्रेलर रिलीज, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड मिला, राइट? तो उस हिसाब से इसको ट्रेलर को पूरा रिस्पॉन्स मिला है, और जो आई थिंक एक बड़ा रीजन बन सकता है इस फिल्म के फेलियर का। ये मेरी राय है। और नो ओरिजिनल सॉन्ग, जी हाँ, ये मेरी तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात बोलूंगा। जुड़वा बहुत फेमस फिल्म है 1987 की, आई थिंक जो 90s के किड्स हैं हमारे, जैसे आप जैसे, और आप लोगों ने सभी ने जुड़वा देखी होगी, कई बार देखी होगी। और हमने सलमान खान का वो तरीका, वो गाने, जो अंदाज था, वो पसंद किया था। उस समय वैसे चलती थी फिल्में, आजकल बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फिल्में चलने लग गई है, वो अलग बात है। और नए नए रिमिक्सिस गाने भी आजकल बहुत चल रहे हैं, और हमने मेरे रश्के कमल सॉन्ग देखा ही है, और कई सारे गाने जो आजकल हम फिल्म में देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड उतना भी अच्छा नहीं है। ओरिजिनल सॉन्ग्स की ऐसे लग रहा है बहुत कमी हो गई है। तो ओरिजिनल सॉन्ग्स हमेशा ही एक अपनी पहचान बनाते हैं, और जब तक, और जहाँ तक बात करें रिकॉल जो सॉन्ग होते हैं यानी कि रिमिक्सेस सॉन्ग, वो अपनी पहचान छोड़ने में उतने कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हमने उन्हें पहले ही सुना होता है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि डेविड धवन की पुरानी फिल्में जो भी देख लीजिए आप, वो सॉन्ग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल करती। तो उस हिसाब से इस फिल्म में म्यूजिकली ये थोड़ी सी वीक लग रही है मुझे। और नए गाने मुझे नहीं लगता इसमें कोई है, क्योंकि 3 गाने ट्रेलर में थे, सभी पुराने ही गानों का रिमिक्स वर्जन था। ओवर एक्टिंग, जी हाँ, वरुण धवन एक्टिंग जरूर करते हैं, ओवर एक्टिंग भी कर देते हैं। हमने मैं तेरा हीरो में उनकी ओवर एक्टिंग लगभग कई ज़्यादा देखी थी, लेकिन ऑडियंस को आई थिंक इसी तरह की फिल्में पसंद आती है। लेकिन मेरा मानना है कुछ चीज़ें थोड़ी सी हटके होनी चाहिए, राइट? कॉमेडी मतलब थोड़ा सा, मतलब जेन्यून कॉमेडी हो तो ज़्यादा समझ में आता है, कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, जो मुझे ट्रेलर में लगा ओवर एक्टिंग है। और हमने सलमान खान की जो फिल्म देखी थी जुड़वा में, उसमें भी थी, लेकिन उस वक्त चलता था, उस वक्त ये सब चीज़ें चलती थी। बट आज के टाइम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग देखना पसंद करेगी, क्योंकि हमने सेम चीज़ें हमने मैं तेरा हीरो में देखी है। मैं तेरा हीरो मानता हूँ बहुत हिट फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, स्टोरी वाइज बहुत अच्छी है, डेविड धवन डायरेक्ट की है। बट इस फिल्म का मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि फ्रेम टू फ्रेम कॉपी लग रही है मुझे, हर एक सीन सेम तरह के लग रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और सबसे बड़ा सीधी सी बात है, अगर एक्टिंग बढ़िया नहीं की है वरुण धवन ने इस फिल्म में, या फिर सलमान खान के लेवल की नहीं करी, तो उन्हें दिक्कत ज़रूर होगी और फिल्म को उससे नुकसान ज़रूर होगा। और बजट, जी हाँ, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस फिल्म का बजट बहुत हैवी है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस फिल्म का बजट 70 से 80 करोड़ है, क्योंकि जिस हिसाब से सीन्स, जिस हिसाब से लोकेशन, मुझे कोई इंडियन लोकेशन नहीं लगा। तो 70 से 80 करोड़ के नीचे इसका बजट नहीं होगा, यानी कि आज इस 2017 में हम देखें तो कम से कम 6 ही फिल्म है जो 100 करोड़ के ऊपर पार हो चुकी है। उसमें से एक तो साउथ की फिल्म बाहुबली 2 थी, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो रही है। 4-5 फिल्में जनवरी से मार्च तक के बीच में 100 करोड़ की कमाई कर ली थी, और हाल फिलहाल में एक जॉली एलबी 2, आई मीन सॉरी टॉयलेट एक फिल्म, बट उसके अलावा कोई और फिल्म नहीं है। तो ऐसे में इस फिल्म का हिट होना या फिर इस फिल्म का बजट रिकवर करना भी एक बड़ा आई थिंक सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इस साल बहुत कम फिल्में अच्छा कलेक्शन कर पाई है। तो ये मेरे हिसाब से ये 5 ऐसे रीजन्स हैं जिस वजह से जुड़वा 2 शायद फ्लॉप हो सकती है, शायद मेरा एक अपना मानना है। तो आपको अगर ये आर्टिकल पढ़ना है डिटेल में, तो आप बॉलीवुड क्रेजेज मेरी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। और बाकी इसी तरह की न्यूज़ अपडेट आगे भी जाएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही मेरी वेबसाइट, ये जो मैंने कहा, इस पर विजिट करना ना भूले। चलिए फिलहाल इतना ही भाई, बाय बाय।